यार जैसे एक मेरे कजन थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल में नोहा पढ़ा था एक पेशेंट के लिए। तो वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन उसको फिर उसके बाद से उसकी, अभी शायद साल पहले का जब बात है उसने नोहा उसकी। पढ़ा था उस वक्त आपने मेडिसिन सारी बंद कर दी थी उसकी? जी जब नोहा पढ़ा था उसके बाद मेडिसिन सारी बंद कर दी थी ना? नहीं, मेडिसिन तो कंटिन्यू थी हाँ, सारी बात। अच्छा ये अच्छा तो अच्छा अगर काम आपने कह रहा है मेडिसिन ना, तो बंद तुम नहीं की अपने भी उसकी, कोशिश करो। सर एक सेकेंड, अगर मेडिसिन बंद नहीं की तो फिर हाउ विल यू नो कि ये मोजे से हुआ है या मेडिसिन से हुआ है? देखिए, कुछ कुछ वेरिफिकेशन आप लोगों ने, आज मोहम्मद के बाल मिल जाते हैं हर जगह पे, कोई एक दफा भी कभी किसी बाल को डीएनए टेस्ट नहीं कराया? कार्बन डेटिंग कराना तो बड़ी दूर की बात, डीएनए करा दो, पता लगेगा इंडिया के ही किसी संत के बाल होंगे जिसको मोहम्मद का बाल बना दिया आप लोगों ने। दैट्स इट। आपने डीएनए नहीं कराया, कार्बन डेटिंग नहीं कराई, तो हाउ कैन आई वेरीफाई? मेरे पास भी बड़ी वीडियोस हैं। वो एक पत्थर है जी, हम करबला से लेके आए थे, हर साल 9वीं मुहर्रम को उस पत्थर में से खून निकलना शुरू होता है। पत्थर एक शीशे के अंदर पड़ा हुआ है, शीशा जो है कपड़े के ऊपर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के नीचे टेबल है, टेबल के नीचे वाली टेबल का हिस्सा बंद है। आई डोंट नो उसके अंदर खून की बोतलें लगा के पंप से पंप करते हो क्या करते हो, हु नोस। देखो, जब आप किसी चीज को वैलिडेट ही नहीं करने दे रहे, कार्बनेट साइंटिफिक कोई मेथड चलाने ही नहीं दे रहे उनको वेरीफाई करने के लिए, तो हाउ विल एनीबडी नो कि सच है कि झूठ है? कि जब कोविड आया था तो आप लोगों ने हज खाली करा दिया था, वही जगह जहां पे आप लोग कहते हो कि जी जमजम का पानी है और फलाना है और बरकत है और दुआएं कबूल होती हैं, आपने वो जगह खाली करा दी। भाई मोजे जो करने वाले हैं वो तो करते नहीं आप लोग। मोहम्मद के बाल निकाल लेते हो, पत्थरों में से खून निकाल लेते हो, लाइक कम ऑन मैन, कुछ करना तो कैसे ऐसा करके दिखाओ ना, पता लगे दुनिया को कि हाँ साला कोई दुनिया को कुछ, ह्यूमैनिटी को कुछ मिला है, चलो यार एक्सेप्ट करें, दिस इज अ गुड थिंग। काजिम नकवी, मेरा बस एक आपसे क्वेश्चन था कि अगर आप बोलते हैं कि जैसे ये मजहब वगैरह कुछ नहीं होते और ये सब, तो फिर ये बताएं कि जो मौजदे वगैरह जो मजहब देखने किसे में आते कहते हैं, हैं? मेरा तो आवाज आ एक रही है शिया आपको? वाला टेस्ट भी ले लो एडम साहब पहले, ताकि सही डायरेक्शन पे हम चले। ओके, शिया अजान सुना दे जरा फजर की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदुन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदुन्ना इलाहा इल्लल्लाह, अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदुन्ना अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अलफलाह, हय्या अल खैरुल अमल कदामत, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी सर बोले, मजहब किसे कहते हैं आप? अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मौजदे वगैरह होते हैं, अगर आप लोग का क्लेम है ना कि कौन सा मोजा आपने इस्लाम, देखा है जैसे अपनी आंखों से? कि करबला में जो मौल अब्बास की जो जरी है उसमें पानी कौन घूमता सा है, देखा है आपने अपनी आंखों से? नहीं मतलब ये तो क्लियर विजिबल है ना, आप अगर उनकी ग्रेव्स वगैरह देखें तो मैंने उसमें पूछा मौल कौन सा अब्बास आपने देखा है का अपनी एक। आंखों से? अच्छा, मैंने एक मौजदा लाइव नहीं देखा, लेकिन वो एविडेंस वगैरह उसका रखा हुआ है। एक जगह है यहाँ पे, तो वहां पे मैं गया था, तो वहां पे बीबी सकीना इमाम हुसैन की सबसे छोटी बेटी थी, उनके पंजे का निशान है, खून से, खून वाले पंजे का निशान है, और वो कभी कुछ किसी ने साल उस खून की पहले। वेरिफिकेशन की है? डीएनए टेस्ट कराया? नहीं, वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन सपोजिटली ओके यही है डन, कि ये आगे मजलिस चलते हैं। के वक्त ही आया था। दैट्स इट। आपने डीएनए नहीं कराया, कार्बन डेटिंग नहीं कराई, तो हाउ कैन आई वेरीफाई? मेरे पास भी बड़ी वीडियोस हैं। वो एक पत्थर है जी, हम करबला से लेके आए थे, हर साल 9वीं मुहर्रम को उस पत्थर में से खून निकलना शुरू होता है। पत्थर एक शीशे के अंदर पड़ा हुआ है, शीशा जो है कपड़े के ऊपर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के नीचे टेबल है, टेबल के नीचे वाली टेबल का हिस्सा बंद है। आई डोंट नो उसके अंदर खून की बोतलें लगा के पंप से पंप करते हो क्या करते हो, हु नोस। देखो, जब आप किसी चीज को वैलिडेट ही नहीं करने दे रहे, कार्बनेट साइंटिफिक कोई मेथड चलाने ही नहीं दे रहे उनको वेरीफाई करने के लिए, तो हाउ विल एनीबडी नो कि सच है कि झूठ है? देखिए, कुछ कुछ वेरिफिकेशन आप लोगों ने, आज मोहम्मद के बाल मिल जाते हैं हर जगह पे, कोई एक दफा भी कभी किसी बाल को डीएनए टेस्ट नहीं कराया? कार्बन डेटिंग कराना तो बड़ी दूर की बात, डीएनए करा दो, पता लगेगा इंडिया के ही किसी संत के बाल होंगे जिसको मोहम्मद का बाल बना दिया आप लोगों ने। उसका दूर दूर तक जो है ना सऊदी अरेबिया के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। मैं तो कह ही नहीं रहा कार्बन डेट कराओ, डीएनए टेस्ट कराने दो यार सिर्फ। तो भाई ऐसी बातें क्यों मेरे साथ करते हो यार भाई आके?
मेरे प्यारे भाई, मेरे जिगर, क्यों ऐसी बातें करते हो यार? अच्छा चल, ये अगर फिर मैं एक और बात बताऊं तो मोजा दिखाना है तो मुझे ये मोजा दिखाओ कि जब कोविड आया था तो आप लोगों ने हज खाली करा दिया था, वही जगह जहां पे आप लोग कहते हो कि जी जमजम का पानी है और फलाना है और बरकत है और दुआएं कबूल होती हैं, आपने वो जगह खाली करा दी, वहां पे कोविड फैल गया। कोविड आया तो आपने मस्जिद नबवी खाली करा दी। भाई मोजज़े जो करने वाले हैं वो तो करते नहीं आप लोग। मोहम्मद के बाल निकाल लेते हो, पत्थरों में से खून निकाल लेते हो। लाइक कम ऑन मैन, कुछ करने तो कैसे, ऐसा करके दिखाओ ना, पता लगे दुनिया को कि हाँ साला कोई दुनिया को कुछ, ह्यूमैनिटी को कुछ मिला है। चलो यार एक्सेप्ट करें, दिस इज अ गुड थिंग। क्या किया आज तक आप लोगों ने? अंब बात तो ठीक है ऐसे, लेकिन एक होता है ना, क्या हजारों बातें एक तो सुनी सुनाई भी आती हैं और कुछ चीजें होती हैं। जैसे एक मेरे कजन थे तो उन्होंने हॉस्पिटल में नोहा पढ़ा था एक पेशेंट के लिए, तो वो पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था, लेकिन उसको फिर उसके बाद से उसकी, अभी शायद साल पहले का, जब उसने नोहा पढ़ा था उस वक्त आपने मेडिसिन सारी बंद कर दी थी उसकी? जी, जब नोहा पढ़ा था उसके बाद मेडिसिन सारी बंद कर दी थी ना? नहीं, मेडिसिन तो कंटिन्यू थी। अच्छा 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 अच्छा, मेडिसिन कंटिन्यू चल रही थी। ओके ओके ओके, यार डूड लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है, लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। अब जरूरी थोड़ी है कि हर चीज मौजदा करें, हाँ हम एफर्ट डालते हैं। आप उस चीज को एज ए मौजदा बता रहे हैं मुझे, तो जब आप कह रहे हैं कि नोहा पढ़ा बंदा सही होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि आपने मेडिसिन बंद की होगी उसकी, फिर उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेडिसिन आपने बंद कर दी। अगर आपने मेडिसिन बंद नहीं की उसकी, सर एक सेकंड, अगर मेडिसिन बंद नहीं की तो फिर हाउ विल यू नो कि ये मौजजे से हुआ है या मेडिसिन से हुआ है? वो इसलिए क्योंकि पहले भी मेडिसिन दी जा रही थी लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं आ रहा सर, था। मेडिसिन देखे सर, देखे दो चीजें होती हैं, ये ह्यूमन ब्रेन एंड साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बाज दफा चीजों के ऊपर। मेडिसिन माइट हैव टेकन अनदर वीक, नोहे से जो उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन लेवल है उसने एक एंजाइम रिलीज किए होंगे, दिस इज कॉल्ड अ होप एंजाइम। जब आप होप मिलती है आपको या आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर एक खास चीज मिलती है तो आपकी बॉडी में खास रिएक्शन होता है, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, सर्च कीजिएगा। बात तो ये है कि आप मुझे नोहे के बाद मेडिसिन बंद करके सही करा के दिखाएं बंदे को, बात ये नहीं है कि नोहा पड़ा साथ मेडिसिन भी चल रही है और फिर सही हो गया, लो जी नोहे से सही हो गया। मौजदा तो ये है कि मैं आपके पास लेके आता हूं कैंसर पेशेंट, मेरे पास है कैंसर पेशेंट स्टेज फोर में है, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया he's gone, he's gonna die, लो से सही करा दो, मैं सही हो जाता हूं, जाओ गारंटीड। स्टेज फोर का कैंसर पेशेंट है, मरने वाला है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मैं लेके आता हूं सही कर दो नोहे से, एक नोहा छोड़ो पूरा दिन पढ़ो, पूरा दिन दूंगा आपको, दो दिन तीन दिन पांच दिन सात दिन सही कर दो उसको, मैं ही मान ले गया। तो तुम्हारा पैसे दिया हुआ कैंसर पेशेंट नहीं, मेरा कैंसर पेशेंट जो मेरे पास है। नहीं लेकिन ये भी बात मशहूर तो है ना कि जैसे इमाम रजा का रोजा है, अगर वहां पे बहुत सी बीमारी, बात मशहूर बहुत है भाई, मशहूर तो ये भी है कि मोहम्मद था और वो मक्के में पैदा हुआ था, प्रूव आज तक नहीं हो सका, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है ना। अगर प्रॉफिट मोहम्मद नहीं होते तो फिर आज सैयद कैसे होते, उनकी पूरी एक नस्ल कैसे चलती? सैयद कहते किसे हैं? मोहम्मद का डीएनए आपके पास है नहीं, एक सेकंड, मोहम्मद का डीएनए आपके पास है नहीं, अली तक की सीरीज आपके पास है नहीं, फैमिली ट्री रखा हुआ है मेरे पास। अरे भाई मैं वो उस वही तो कह रहा हूँ, उस फैमिली ट्री तक आप आज तक, भाई एक सेकंड दोबारा से समझने की कोशिश करें, कोई ब्लड लाइन का सऊदीया अरेबिया कितनी बड़ी पेंसिला है वहां तक ब्लड लाइन का पहुंच जाना डज नॉट टेल्स यू कि ये मोहम्मद की लाइन है। इस चीज को समझने की कोशिश करें, आपका डीएनए बताता है कि इसके अंदर ब्लड के अंदर इतने परसेंट जो है वो मिडल ईस्टर्न एरिया का है डीएनए, दैट्स इट। उससे ये साबित नहीं होता कि मोहम्मद का खून है इसके अंदर,
नहीं ये बात नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारा फैमिली ट्री है ना, जैसे मौला जी से लेके नसब कहते हैं ना, शजरा हाँ, नसब हाँ, लिखने वालों ने लिखा है ना, एक बांदरों हाँ, ने लिखा है ना। अब मुझे बताओ वो बांदरों ने जो लिखा है उसकी वैलिडेशन क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप मुझे कुछ शजरा दिखाओ। बिलीव नहीं करोगे तो फिर मतलब नहीं नहीं क्या मतलब लिखी बड़ी चीज है ना, मुझे दिखाओ आपके जो शजरा नसब है वो कितने पीछे किसने लिखा हुआ है? आपके पास ओल्डेस्ट शजरा नसब कौन सा है? ओल्डेस्ट नहीं, ये मुझे पता है कि हमारे पास प्रॉफिट मोहम्मद का शजरा नसब है। भाई जान शजरा नसब बड़े देखे हैं मैंने, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास ओल्डेस्ट शजरा नसब किस बंदे का लिखा हुआ पड़ा है शहीदों के पास? 300 साल पुराना है ओल्डेस्ट, 400 साल पुराना है, इससे पुराना शजरा नसब मैं तो आज तक नहीं देख सका, किसी के पास आया तो दिखा दो। तो भाईजान वो बंदा किस वक्त अपने आप को सैयद बना गया आप तो खुद नहीं पता, आपको 12 इमामों के नाम बताएं बस, उसमें से पहले 2 इमाम आप मुझे दिखा नहीं सकते, साबित नहीं कर सकते, 3 सॉरी साबित नहीं कर सकते। अली को आप 7वीं सदी ईस्वी में साबित नहीं कर सकते, मोहम्मद को आप 7वीं सदी ईस्वी में साबित नहीं कर सकते। नहीं अगर साबित नहीं कर सकते तो ये जो रोजे जो बने हुए हैं प्रॉफिट मोहम्मद की ग्रेव है। ओके, मुझे किसी एक रोजे पे, किसी एक रोजे पे खुदाई कर लेने दो। अरे चलो छोड़ो खुदाई को छोड़ो, तुम लोग तो यकीन रखते हो ना कि जो आयमा अकराम है उनकी बॉडी जमीन के नीचे गलती नहीं है, ये यकीन है ना तुम लोगों का? चलो ऐसा करो किसी एक रोजे पे चादर चूतरे हटा के मुझे एक्सरे विजन से देखने दो कि नीचे बॉडी भी है कि नहीं है, अभी पता लग जाएगा। डूड देखो यकीन है, कामिल होना और उसका एविडेंस होना दो डिफरेंट चीजें। हमारे पास पाकिस्तान में आपकी 2-3 बीबियों की कब्रें जी, वो सऊदीया से निकली थी बीबियां, उनको कोई लोग सेक्स करना चाहते थे, यहां पे आ गई भाग के, यहां पे आई, यहां के किसी महाराजा ने देखा उसको, महाराजा उस पर टुन हो गया, बीबियों ने कहा अल्लाह हमें बचा ले, वो खुरप करके जमीन खुली और जमीन के अंदर चली गई, वहीं पे ऊपर उनकी कब्र बना दी है। उसको कहते हैं बीबियां पाक दामन। जनाब वो जो है ना जहां पे वो नीचे गई थी ना उनका एक दुपट्टा रह गया था, तो एक बुजुर्ग साहब ने दुपट्टा देखा, उन्होंने कहा है तो फलानी बीबी का दुपट्टा है, इमाम हुसैन की फैमिली की है, उन्होंने उसके ऊपर कब्र बना दी, वहां पे बैठ गया। उस बुजुर्ग को सारी उम्र वहां पे खाना पीना मिलता रहा, उसके बाद उसके बुजुर्ग के बच्चों को मिलता रहा, उसके बच्चों के बच्चों को मिलता रहा, वो लोग अमीर हो गए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बीबियां पाक दामन बन गया, मजालिस होती हैं वहां पे, मातम होते हैं, इस वक्त मुहर्रम चल रही है, 5वीं मुहर्रम, मातम पे मातम हो रहे हैं, कुत्तों की तरह चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गल्ले बार भरे पड़े हैं ग्रीन कलर के जिसमें पैसे डल रहे हैं, कमाल है यार, सारी उम्र के खाबे चिल कहानी बनानी है जी कुरानला जी, कहानी बनानी है बस, एक कहानी बना दो एसोसिएट कर दो बस खत्म। बहुत मजे की, पूरा इस्लाम ही ऐसा है यार, बीबियां पाक दामन बन गया जनाब। नहीं खाना पीना तो इमाम हुसैन की याद में करते हैं, अभी जैसे यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे भी सही। अच्छा, इमाम हुसैन की याद में खाना पीना करते हैं जी, इमाम हुसैन ने किया क्या था भाई, क्या पूटा था इमाम हुसैन ने? लगाने की कोशिश की थी वक्त, खलीफा वक्त के खिलाफ कू लगाने की कोशिश की थी खलीफा। अब पहली बात वो खलीफा था ही नहीं ना, वो तो किसने कहा नहीं था, किसने कहा नहीं था, उसके हक के ऊपर बैत हुई हुई थी कि नहीं, उसके हाथ पे मुसलमानों ने बैत की थी कि नहीं बनता था। फोर्सली कन्वर्जन आप खलीफा थोड़ी आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते, फोर्सली कन्वर्जन। एक सेकंड भाई एक सेकंड, अबू बकर जी सर, जी सर ये रशिया जाकिरीन होते हैं, जाकिरीन जिनकी मजलिसें होती है ना, मजलिसों में जो है वो जाकिर वो क्या क्या कहते हैं यार, जो है सुनने वाले तो जो है एक एक बात पर रोने लगते हैं, हाय हाय करके रोते हैं। जाकिर अपनी बातों बातों में कहता है इमाम हुसैन का घोड़ा रात भर भूख में कड़ा रहा। अस्तगफिरुल्लाह घोड़ा नहीं गए भाई, जलजना जलजना प्लीज बेहुरमती नहीं करें जी, जलजना यानी इमाम हुसैन का घोड़ा जलजना रात भर धूप में खड़ा।
या हुसैना अल्लाह ने स्पेशल धूप भेजी थी रात को, या हुसैना या हुसैना करके रोते रहते हैं यार, रात भर धूप में खड़ा रहा और जो है ये लोग सुन सुन कर रो रहे हैं, अजीब बातें हैं। तो मेरे शिया भाई मैं आपसे पूछता हूँ, अबू बकर जब खलीफा बना था कितने लोगों ने उसके हाथ के ऊपर बैत की थी जब वो खलीफा बना था, अपने सोर्सेस से निकाल के दिखा मुझे। तकरीबन सारे ही ने की थी सिवाय दूरी फिटे मुँह तेरे पे, तुझे तेरे सोर्सेस का नहीं पता, दूरी फिटे मुँह सिवाय तीन के, दूरी फिटे मुँह तुझे तेरे सोर्सेस का नहीं पता, मैं आपको सोर्सेस दिखाता हूँ, सुन ले। फातिमा के घर में मोहम्मद मरा हुआ है, उसका लाशा वहां पड़ा हुआ है, पता लगता है कि फातिमा के घर में शियाने अली इकट्ठे हो गए, किसी और को खलीफा बनाना चाह रहे हैं। उमर ने अबू बकर को कहा, अबू बकर बेटा तैयार हो जा, गेम खराब है, पहुंच जा जल्दी कर ले, नहीं तो कोई और खलीफा बन जाएगा। अबू बकर वहां पहुंचता है फातिमा के घर में, कितना को बड़ा घर है, कितने को लोग थे, लड़ाई होती है, शियाने अली एक बंदे को कत्ल किया जाता है, लोग उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और एक बंदा अबू बकर का हाथ खड़ा करते कहता है ये है खलीफा, मैंने बैत ली, 10 बंदों ने बैर दी थी, अबू बकर खलीफा बना दिया था। तीसरे दिन जाके मोहम्मद का लाशा दफनाया गया था, तुम लोगों को तो अपने नबी को दफनाया नहीं सके 3 दिन तक, क्योंकि तुम लोग इकतदार की लड़ाई करते रहे थे। नहीं आपने यहाँ पे गलत कह रहे हैं, मेरी बात सुनो। हाँ मैंने गलत कहा था जी, काला ना मेरी जान, आपको आपके ही मौलानाओं के लिखे हुए आर्टिकल्स विद रेफरेंस दिखाऊंगा, और बताओ। मैं मौलाना मेरा गलत टॉपिक क्या, मेन इसमें हदीस की बात कर रहा हूँ कि जो हुआ था ये हुआ था। हदीस कौन सी हदीस, कौन सी किताब की हदीस? अब शिया भी सुन्नी भी दोनों। सर एक सेकंड, शिया और सुन्नी, कौन सी शिया हदीस बताया मुझे, सुन्नी हदीस है मेरे पास बुखारी की, इसके बारे में मैं आपको तो आपका नहीं पता। नहीं मैं सुन्नी हदीस में ये काफी वाकयात होते हैं जिनमें दोनों रिवायतें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, शिया की भी सुन्नी की भी, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें दोनों सेम बात करती हैं, दोनों सेम बात इसमें करती हैं, प्रॉफिट को दफनाया मौला अली ने था और मौला अली के साथ 3 दिनों बाद, 3 दिन तक जनाजा चलता रहा। मैंने क्या कहा अभी मैं बता रहा हूँ ना, आपने एक बात गलत की है। मैंने क्या कहा अभी, कितने दिनों बाद दफनाया गया, आपने बोला 3 दिन के बाद दफनाया गया, लेकिन आपने ये बोला, आपने क्या कहा कि सब लोगों ने एग्री किया कि 3 दिन बाद दफनाया गया, फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपने बोला था कि मौला अली के घर में पहले लोग जमा हुए शियाने अली, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, पहले जमा हुए अंसार। एक सेकंड, फातिमा का घर मौला अली का घर है? हाँ ओके। मैंने ये कहा कि मौला अली वहां पे प्रेजेंट थे अपने घर में। आपने ये कहा कि शिया जो थे वो जमा हुए फातिमा, जमा हुए वहां पे घर। हाँ ऐसा नहीं था, बल्कि अंसार जमा हुए थे सकीफा में और अंसारियों ने। अच्छा अंसारी कौन थे? अंसारी जो थे वो मदीने के रहने वाले थे, वो अली अली के फॉलोअर नहीं थे अंसारी। अच्छा हाँ सॉरी यार, उस जमाने में भी लफ्ज़ शियाने अली एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, यार राइट, अब मैंने गलत कह दिया, क्योंकि लफ्ज़ शियाने अली अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, ये वो कौम थी जो बाद में शियाने अली यानी के शिया कहलाई थी। ओके आई अंडरस्टैंड दैट, ये वो कौम थी जिसको बाद में शियाने अली कहा गया, लेकिन हाय रब्बा उस वक्त एडम तूने क्यों कह दिया, अभी तो ये लफ्ज नहीं बना। अरे शिया स्टार्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे शियाने अली भी कहलाते थे लोग, और शियाने स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन, असल में ये बिगनिंग जो हुई थी इसके बिल्कुल जो 3-4 लोग थे वो तो बिल्कुल खिलाफत के टाइम पे हुई थी, जो अर्ली डेज। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा ये क्या वही लोग थे जिनके नाम भी लिखे हुए हैं जो उस वक्त फातिमा के घर में थे, क्या ये वही लोग थे? जी जी, जो उस टाइम पे। थैंक यू सो वेरी मच। सो मैंने तो कहा कि फातिमा के घर में शिया इकट्ठे हुए, मैंने गलत क्या बोला है भाई? कान को भाई लुको, लेफ्ट साइड के कान को राइट साइड के हाथ से पकड़ लेने से ऐसा नहीं है कि कान पकड़ा नहीं गया,
ठीक है, देखे जलेबी बनाने के लिए ये ऐसी बातें मेरे साथ ना किया करो ना यार। मैं बता रहा हूँ अभी आज के दिन में मैं स्ट्रीम बना के आया हूँ, डाटा मेरे पास पड़ा है, कल मैंने उर्दू में इस पर पूरी स्ट्रीम करनी है। भाई कम से कम थोड़ा सा तो लिहाज करो ना कि एडम सीकर बैठा है, वो मुंह से बात निकाल रहा है तो दम है तो निकाल रहा है ना यार। लेकिन जो बात है वो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने ये बात गलत की कि पहले लोग जमा हुए बीवी फातिमा के घर, फिर उमर को पता चला, उमर ने अबू बकर को बोला कि लोग जमा हो गए तो मैं खलीफा बना दूंगा, ऐसा नहीं हुआ था। पहले हुआ था अंसारी जमा हुए थे, अंसारी अपना खलीफा चुन रहे थे और वही अंसारी बाद में शिया के लाए थे। नहीं नहीं, अभी तुमने बोला कि उसमें जो चार बंदे थे यही शिया के लाए थे बाद में पॉलिटिकल मूवमेंट, वो अंसारी नहीं थे, चारों बंदे मुहाजिरीन थे अंसारियों में। हाय 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 हाय, या हुसैना या हुसैना या हुसैना। मैं ओके के अबू बकर खलीफा बना और इसी तरीके से बना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह है, उसके बाद उमर खलीफा बना। अच्छा जब अबू बकर खलीफा बना, क्या अली ने अपने घर में बैठ के अपने शियाओं को पूरा लेक्चर दिया था, जिसमें उसने गदीर कुम का पूरा बताया था, जिसमें उसने पंतन पाक को चादर के नीचे बैठ के मोहम्मद का वाज बताया था, क्या ये वाला वाक्या मानते हो आप? जी, उस वक्त अबू बकर खलीफे में बैठा हुआ है और ये कूल लगाने की कोशिश कर रहा है एक तरह का, अली अपने साथ लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि अबू बकर गलत है, क्या ये बात अली ने की थी अपने घर में? जी, लेकिन उनके पास आर्मी नहीं थी तो प्रॉफिट आर्मी नहीं थी, हमारे पास लोग नहीं हैं। गौर से सुनना एवरीवन इन द लाइव स्ट्रीम। जी सर, अली ने लड़ाई क्यों नहीं की थी सर बताइएगा? क्योंकि उसके पास उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला था कि अगर तुम्हारे पास 40 से ज्यादा आदमी नहीं हो तो फिर तुम जंग ना करना, और अगर हो तो ही सेंड लेना ताकि लो जी पावर। जी दोस्तों सुनो, शेर खुदा शमशीर खुदा, अल्लाह की तलवार जिसको कहा गया है, जिसको अल्लाह का शेर कहा गया है, असद अल्लाह और शमशीर अल्लाह, वो बंदा खड़ा नहीं हुआ अबू बकर के खिलाफ, अपनी बीवी मरवा गया, अपनी बीवी मरवा गया, घर के अंदर लेटा हुआ है, घर के बाहर लोग आए, दरवाजे को आग लगा दी, दरवाजे को पैर मार के गिराया, उसकी बीवी उस वक्त पेट से थी, बीबी फातिमा हाय फातिमा हाय फातिमा हाय फातिमा, गिरा दिया दरवाजा, फातिमा के ऊपर गिरा, फातिमा की पसली टूट गई, बच्चा उसके अंदर मर गया, वो मर गई, शहीद हो गई, हाय हुसैना हाय फातिमा। अली कुछ नहीं कर सका, किधर गया शेर खुदा, किधर गया शेर खुदा, किधर गया शमशीर खुदा, बीवी तक को तो बता नहीं सका, अंदर पड़ा रहा, बाहर आता मर जाता, क्यों नहीं बचाया? क्या मर्द था वो, उसको तो मर्द नहीं कह सकता मैं, बचा लेते। ओगर अली खड़ा हो जाता, हजारों को कत्ल कर देता, 40 बंदे खड़े नहीं कर सका, हजारों को कत्ल उसने अंब करना था। लिसन टू योर ओन सेल्फ, सुनो अपनी ही बात को, तुमने कहा 40 बंदे खड़ा नहीं कर सका इसलिए अबू बकर के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, जब 40 बंदे घर के बाहर खड़े होके उसकी बीवी को मार रहे हैं, वो अकेला बुजदिल था, बाहर तक नहीं निकला, बुजदिल, बीवी को मरवा दिया उसने, बुजदिल था। घर के बाहर कहा जाता है कि पूरा मदीने का लश्कर घर के बाहर था और उन्होंने पहले मौला जी को पकड़ा, हाय हुसैना, पूरा लश्कर बाहर था अली के घर के बाहर, और अली डरपोक अंदर लेटा, उठ के बाहर नहीं आया कि पहले मुझे मारो फिर मेरी बीवी को मारना। हाय हुसैना हाय हुसैना हाय हुसैना, कैसा मर्द है ये बताओ, बताओ मेरी जान, कैसा मर्द है ये? तुम अपनी बीवी को मरने दोगे ऐसे, जो तुम्हारे बच्चे से हो? ये तो शेर खुदा है ये हाँ, के साथ करे तो घर पे बैठे रहोगे? नहीं नहीं, तो मौला अली ने स्टैंड लिया था, लेकिन अब जाहिरी बात है एक बंदे को आपने एक सेकंड भाई, कहां स्टैंड लिया था, क्या करेगा? नहीं नहीं, कहां स्टैंड लिया था? वंस फातिमा डाइड उसके बाद स्टैंड लिया था? नहीं, उस वक्त मौला अली रींगते हुए भी सामने क्यों नहीं आया कि पहले मुझे मारो फिर मेरी बीवी तक पहुंचना? नहीं, शेयर रेफरेंसेस में ये बात है कि उनको गले में रस्सी से बांधा गया था
शिया रेफरेंस में लिखा है कि वो बीमार अपने सोफे पे पड़ा हुआ था। नहीं ये बात ओके मुझे मुझे आए अपने मासूमीन तक पहुंची हुई चेन दिखा कि उसको बांधा गया हुआ था उसके घर में, वो तो अपने घर में पड़ा था। अपने घर में पड़ा था, अली को किसने बांधा था भाई? आम बंदों ने पकड़ लिया था यार, थ्रू है फिर ऐसे। आप अगर ऐसे को अगर शेरे खुदा कह रहे हो तो आप लोगों को खुद सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को लिए है। शेर खुदा वो इसलिए है क्योंकि बदर में कोई आगे नहीं आया, सिर्फ अली आए। ओहद में कोई आगे नहीं आया, यहाँ क्यों नहीं शेर खुदा रहे? खंदक में कोई आगे नहीं आया, खैबर का कई टनों का दरवाजा उठा के गिराने वाला, क्या झूठा वाक्य है ये कि इधर 50 बंदों के सामने नहीं खड़ा हो सका? वो मौजजा यहाँ पे शेर पूरा हो गया था। अच्छा, साहिल वो मौजजा था, साहिल वो मौजजा था कि दरवाजा उठा लिया उसने एक टन वजनी, यहाँ पे शेर पूरा हो गया था। कितनी अजीब बातें, खुद सोचो यार तुम लोग, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई। हुसैन पूरा हो गया था, हुसैन अल्लाह यारी को ले आ कल, कल उसको भी रगड़ेगा अपुन। अल्लाह यारी को भी ले आ कल, अगर लेके आना है तो कल ले आ, जिसको लेके आना है। नहीं ना, तो वो तो ऐसे डिबेट करेंगे कि आप उनकी उस पे जाएंगे क्योंकि उनको ये यूट्यूब मेरा जाता है, मेरा जाता है घंटा, ले जा मेरे घंटे को। ये वादा आप नहीं जा रहे बोल, क्योंकि उनको वो एजेंट भी हो तो उनको इस सब का आइडिया नहीं है ना, आइडिया होना भी नहीं है। वो सिर्फ सुनियों के साथ ही डिबेट कर सकता है, काम वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ इस मामले में। सुन ले, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो वो सुनियों की माँ बहन एक कर रहा है, और बिल्कुल सही कर रहा है, आई सपोर्ट हिम फॉर दैट। लेकिन करबला के वाकये को कोई शिया भी जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश की थी वक्त के हाकिम के साथ, और अबू बकर से ज्यादा सपोर्ट थी यजीद को, यजीद को सपोर्ट अबू बकर से ज्यादा थी। सुनियों ने इमाम हुसैन को मारा और शियों ने इमाम हुसैन को बचाया नहीं। सो लिहाजा दोनों मुसलमान, दोनों तरह के मुसलमान, शिया और सुन्नी, दोनों बगैरत थे, नबी के नवासे को नहीं बचा सके। शिया आगे नहीं आए, पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर देखते रहे। सुन्नियों ने मारा, शिमर भी सुन्नी, यजीद भी सुन्नी, उबैदुल्लाह भी सुन्नी, सारे सुन्नी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के हुक्म के ऊपर शिमर आगे गया, शिमर ने तीर चलाया, हुसैन मरा, लाशा जमीन पे गिरा, और ये खड़े होकर देखते रहे शिया, और सुनियों ने मार दिया। ये तुम्हारा नबी और ये तुम्हारा इस्लाम है, एंड ऑफ डिस्कशन। कल कंप्लीट रेफरेंस के साथ बात करेंगे, जरूर आना।